नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मेरे फ्लैट पर या स्टूडियो में आए हुए हैं तो ये पहले अपना इंट्रोड्यूस देंगे आपके लिए। पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं यूपी का रहने वाला हूं, इंडिया, और मैं SFNDRF का फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूं। मेरा नाम जवाद अहमद है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं और मैं कजाक नेशनल का फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पास में एक शायद इंडियन बैठे हुए हैं, एक शायद पाकिस्तानी भाई बैठे हुए हैं। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे चाहे आपकी कंट्री का हो चाहे हमारी कंट्री का हो, जब स्टूडेंट पहले कजाकिस्तान आता है तो उसके पेरेंट्स या स्टूडेंट ये सोचता है कि इस्लामिक कंट्री है, अपन जो आ रहे हैं हिंदू हैं। तो ऐसा क्या है, कुछ फर्क लगा आपको यहाँ आके? देखिए, मैं मुसलमान हूँ और मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगा कि कोई हिंदू आ रहा है या सिख आ रहा है, इसमें कोई फर्क हो रहा है। आपको भी लगा होगा, नील, आप हिंदू हैं, और बहुत से मेरे हिंदू दोस्त हैं, उनसे भी आप पूछोगे तो वो कभी नहीं कहेंगे कि पता ही नहीं चला कि वो हिंदू हैं कि कोई मुसलमान है। जब आप एक स्कूल यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हो तो ये डिफरेंस खत्म हो जाता है। जो भी इंडिया से आ रहे हैं लोग, उनको इस चीज़ की तो फिक्र नहीं करनी चाहिए कि वो किस रिलीजन के हैं, किस कास्ट के हैं। यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एक दोस्ती बन जाती है लोगों में, और अच्छा भी है। आप नए कैटेगरी, अलग अलग लोगों को जानते हो, अलग अलग मुल्क के लोगों को जानते हो, इससे आपको चीजें सीखने की मिलती है, उनके बारे में जानते हो, थोड़ी स्मार्टनेस भी पड़ती है। बस यही है कि अपन जिस प्रोफेशन में आ गए हैं वहाँ ये सारी चीजें बहुत छोटी रह जाती हैं, हमको इनके ऊपर से बढ़ना चाहिए, लेकिन मीडिया इन्होंने इतनी हैप बना रखी है कि ये चीजें फिर डिस्कस होती हैं। अब मैं पाकिस्तानी भाई से पूछना चाहूंगा कि जैसे आप यहाँ MBBS करने के लिए आते हो तो पहले आपको पता ही होगा कि यहाँ इंडियंस बहुत ज्यादा तादाद में, अगर अपन रेशियो निकालें तो 8:2 का आएगा। तो फिर वहाँ ऐसे डिस्कस करते हैं कि आप वहाँ जा रहे हो, इंडियन रहते होंगे, कुछ पंगे ना हो जाएं, कुछ लफड़े ना हो जाएं, तो ऐसी क्या है बनी हुई है पाकिस्तानी पेरेंट्सों में? पहले जहन में तो इधर आने से पहले जहन में होता है कि ऐसा हुआ कि इंडियन भी आएंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, बांग्लादेश वाले भी होंगे, लेकिन हम जब इधर आते हैं फिर क्लासों में इकट्ठे पढ़ते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं, कोई मसला भी नहीं होता। लेकिन मीडिया वालों ने गार्ड उठा के वैसे लोग कहते हैं, कुछ भी नहीं है। आप दोनों के बैच में सारे इंडियन बच्चे हैं या फिर आपके बैच में सारे पाकिस्तानी हैं या फिर मिक्स है? हम बैच में जो है वो मिक्स है, ग्रुप में हमारे साथ इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, हम इकट्ठे पढ़ते हैं, इकट्ठे सब कुछ कर ले। सेम कंडीशन आपकी? जी जी, ये मेरे ही ग्रुप में है और आधे पाकिस्तानी लगभग, आधे इंडियन है, और अगर पूरे बैच में देखो तो अरब भी है, फिलिस्तीन के भी है, जॉर्डन के भी हैं, उनसे भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखो, SFNDRF तो अपने आप में एक ब्रांड कॉलेज है, वहाँ सारे ही कंट्रियों के बच्चे आते हैं, नो डाउट। और ब्रदर, जैसे आप आए थे 2019 वाले बैच में शायद आप आए थे, अब 2023 स्टार्ट होने वाला है, उस टाइम में और आज कितना फर्क देखते हो आप? फर्क की अगर गौर किया जाए तो पढ़ाई के लेवल पे देखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, हम अपने तजुर्बे पे देखें कि हमने क्या सीखा, तो हमने बहुत कुछ सीखा, यहाँ कजाकिस्तान के बारे में सीखा, लोगों लैंग्वेज सीखा हम लोगों ने काफ़ी, रशियन सीखी, थोड़ी बहुत कजाक में भी सीखा चीज़ों को, और यहाँ के खानों को समझा, यहाँ के ड्रेसिंग सेंस को समझा, और अलग अलग देश के लोग आए हैं उनसे भी सीखने को मिला, तो हमारी नॉलेज बढ़ी। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, उनके साथ खाना, उनके सिस्टम का खाना, उनका टेस्ट, तो बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। और ब्रदर, पाकिस्तान से लगभग प्रतिवर्ष कितने स्टूडेंट आउट ऑफ होंगे? बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, कजाकिस्तान में आते हैं, किर्गिस्तान में चले जाते हैं, लेकिन कजाकिस्तान में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, पिछले साल भी बहुत ज़्यादा आए थे। इधर का पढ़ाई का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, खाने पीने का जो है वो हम इतना फर्क भी नहीं है, हम इतना अपना वो पाकिस्तान इंडिया जैसा चावल भी मिल रही है, सब कुछ जो है वो खाने का मिल रहा है। जैसे आप यहाँ से जाते हो अपनी डिग्री कम्प्लीट करने के बाद, तो फिर पाकिस्तान में एक परफेक्ट डॉक्टर बनने के लिए किन किन प्रोसेसों से गुजरना पड़ेगा? वहाँ पे जैसे इंडिया में MCI का एग्जाम होता है, वहाँ पाकिस्तान में हमारा NLE होता है, वो क्लियर करके फिर हम वहाँ से लाइसेंस मिल रहा है। तो वो एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है उसमें? उसमें MCQs होते हैं, जैसे कि इंडिया एग्जाम में होते हैं, वही सेकंड स्टेप टू में जो होता है वो वाइवा होता है, वो क्लियर करके फिर हमें लाइसेंस मिल रहा है। आप पाकिस्तान में किसी ऐसे डॉक्टर से मिले हो जो अदर कंट्री से MBBS करके गया है और वो वहाँ सेटल हो चुका? हाँ, बहुत ज़्यादा से मैं मिला हूँ, इधर कजाकिस्तान से भी ग्रेजुएट हुई है, किर्गिस्तान से भी ग्रेजुएट हुई है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर है जो फॉरन से होके वहाँ पे क्लियर टेस्ट क्लियर करके। जैसे काफ़ी लोगों का इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पता है इंडिया में कंपटीशन किस हिसाब से है, तो क्या उनके लिए बेहतर विकल्प है ये? जी जी, बिल्कुल बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जहाँ पे कुछ लोग आते हैं और बिल्कुल यहाँ के माहौल में ढल जाते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत हर साल करते रहो तो इतना टफ नहीं है, लोगों ने निकाला है और मेरे सीनियर ने निकाला, अभी तो मैं फोर्थ ईयर में हूँ, मेरे सीनियर जिनको मैं जानता था उन्होंने बस कुछ वक्त तक बस एक हिसाब की पढ़ाई करते गए,
हर दिन में कुछ घंटा निकालते थे और हर मस्ती भी करते थे और आसानी से उन्होंने इंडिया का एग्जाम निकाल लिया। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस लोगों को क्या यहाँ आने के बाद बहुत से बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, तो आने वालों पर डिपेंड करता है, वो आप भीड़ ना देखें, आने वाले पर डिपेंड करता है कि कौन बच्चा कैसा है बस। तो आपने बहुत अच्छा चीजों को एक्सप्लेन किया। अब अपन कुछ वैसे क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं कि पहले अपन तीनों कोशिश करेंगे कि आप किस पाकिस्तानी सेलिब्रिटी के फैन हो, अगर एक का नाम लिया जाए। अच्छा, एक नाम लेना है तो मैं तो आतिफ असलम का नाम लूंगा। अच्छा जी, तो दोस्तों मैं भी काफी कलाकारों को जानता हूँ, काफी क्रिकेटर है पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान का अच्छा नाम किया रोशन। तो अगर मैं इंडिविजुअल एक का नाम लूं तो शायद अफरीदी पहले नंबर पर रहेंगे। इसके अलावा आपसे पूछना चाहूंगा, आपका तो बताना है अगर आपका कोई फेवरेट क्वेश्चन हो। पाकिस्तान शायद अफरीदी, हमारे बटालों का फखर है। अरे वाह, दोनों का सेम सेम। इसके अलावा अपन बात करते हैं अगर आप इंडिया के एक सेलिब्रिटी का नाम लेना चाहो। इंडियन सेलिब्रिटी सलमान खान को मैं पसंद करता हूँ। अगर मैं भी बात करूं तो मुझे शाहरुख खान लगभग 12 या 13 साल से पसंद है और मैं आपने देखा होगा कई लोगों में उसकी ऐसी पोज भी निकालने की कोशिश करता हूं। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जैसे ये तो बड़े लेवल की हो गई जिनको हम देखे भी नहीं, बस मीडिया से उनके पता चला है। अगर मैं इंडिविजुअल जिससे मिला हुआ हूं तो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं ब्रजेश माहेश्वरी साहब, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। तो दोस्तों अभी मैं इन पाकिस्तानी भाई से पूछना चाहूंगा, आप भी देखते होंगे इंडिया के काफी लोग बहुत ज्यादा नेशनल लेवल पर पॉपुलर हो रहे हैं, अगर आपसे इंडिविजुअल किसी पर्सन का पॉपुलरिटी या फिर आप किसके फैन हो तो किसका नाम लोगे? मैं शाहरुख खान का नाम बताऊंगा। और क्रिकेट जगत में? विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है। चलो, आप हमने वही कॉमन नाम लिए जो सबके फेवरेट है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, हमने इनके नाम लिए यही है, और भी तमाम लोग हैं उनसे टैलेंट से उनका जो उसका बहुत ज्यादा अपन रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आज 31 दिसंबर है और कल न्यू ईयर आने वाला है और तमाम स्टूडेंट इस बार आए हैं। इंडिया से बात करें तो लगभग 7-8 हजार स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया आया हुआ है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, पहले तो मैं कहूंगा हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को जो ये चैनल देख रहे हैं, और तो मैं कहूंगा कि भाई आप यहाँ पे आए हैं और आप बिल्कुल इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं, अगर आप इंडिया से आए हैं तो आप अपने कल्चर को, अपने जिम्मेदारियों को, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आप आए हैं तो मेहनत से पढ़ाई करें, मस्ती भी करें, हर चीज़ को करें और आप बिल्कुल यहाँ मजा आएगा। और हैप्पी न्यू ईयर इन द एंड। आप जो आने वाले पाकिस्तान के न्यू यूथ है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और टाइम जाया मत करो और अपने गोल जो है वो गोल पे फोकस करके फिर पाकिस्तान में जाके अपने अच्छा फ्यूचर बनाए। तो अब्दुल भाई, अपन पढ़ाई पे भी बात कर सकते थे लेकिन एक तरफ हमारे वतन के भाई, एक तरफ पड़ोसी वतन के भाई बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा इसी टॉपिक पे बात होती जी। तो आप यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंटों के रहन सहन आपने देखा होगा और जो दिखाया जा रहा है उसमें कितना फर्क है? दिखाया जो मीडिया में जा रहा है, यस। देखिए, रहन सहन की जहां तक बात है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनके साथ रह के, और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं लगा कि मैं किसी और देश, किसी और मुल्क के बंदे के साथ रह रहा हूँ, बिल्कुल एक जैसा लगा। और मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त यहाँ पे, ये कैमरे के पीछे स्माइल है, और मेरे बहुत कीमती दोस्त मिसबाउल्लाह है हमारे साथ, तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं लगा कि भाई कोई मसला है। आप जो भी आ रहे हैं ये कभी ना सोचे कोई पाकिस्तानी है या कोई कजाक है, आपको बिल्कुल फर्क नहीं लगेगा। एज अ स्टूडेंट आपको कभी फील नहीं होगा कोई डिफरेंस है, आप अपनी पढ़ाई में फोकस करें और इंजॉय बिल्कुल करें, अलग अलग देश के दोस्तों से भी दोस्ती करें, कोई मसला नहीं होगा। ये जहाँ तक हम लोग यहाँ रह रहे हैं, 4 साल हमारा हो चुका है, तो बिल्कुल आराम से हर चीज़ गुजरती है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्टडीज भी आसानी से हो जाती है, यहाँ लाइब्रेरी मौजूद है। अनिल भाई सही, बहुत बढ़िया। तो जवाब भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने तमाम इंडियन स्टूडेंटों को देखा और पाकिस्तान से शायद आप पहली बार बाहर आए हो तो आपका कभी इंडियन लोगों से पाला भी नहीं पड़ा होगा, तो आप इंडियन को 4 साल से देख रहे हो, आप क्या सोचते हो उनके बारे में, क्या आपके विचार है? पहले मैं जब पाकिस्तान में था तो ऑब्वियसली मैं नहीं देखा था, जब इंडिया कजाकिस्तान में आके बहुत ज्यादा दोस्त मेरे इंडियन है, उसके साथ मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं, कोई फर्क जो है वो नजर नहीं आ रहा दोनों के दरमियान, जबान है कि सब कुछ है कि। भाईजान मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अपने अपन मुल्क में रहते हैं तो माइक गुस्सा बना रहता है दोनों कंट्रियों को लेके, क्या वो यहाँ नॉर्मल हो जाता है या फिर अभी इतनी ज्यादा वो रहता है? नहीं, इधर तो सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कोई सीन नहीं है, हम एक दूसरे के 4 साल से इधर जो है वो जानते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है, सब दोस्तों की तरह रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। तो दोस्तों मैं इन दोनों से बात की है, शायद ये पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं तो हो सकता है अपने विचारों को अच्छे से प्रकट नहीं कर पा रहे हों, लेकिन मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा जब अपन यहाँ आए हैं तो ये सारी चीजें इतनी छोटे लेवल पर रह जाती हैं, अगर हम इस फील्ड में आके सोच रहे हैं तो अपन गलत कर रहे हैं।
मैं कैमरा पे काफी लोगों को सुना के कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि आप दोनों की साइड ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, लेकिन ये अपन इन चीजों से उठे हैं, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स का ही कारण है जिसकी वजह से ये दोनों मुल्कों में ऐसी बातें फैली हुई हैं, नफरत के बीज बोए हुए हैं। लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं तमाम, मेरे दोस्त भी पाकिस्तानी हैं, इन भाइयों के भी इंडियन दोस्त हैं, बहुत अच्छे से अपना एक ही टारगेट है, अपन यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं। अगर यहाँ से जाने के बाद अपनी अपनी कंट्री का एग्जाम निकाल लिया तो अपन सक्सेसफुल है, अदरवाइज इन चीजों में रह गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ फालतू लोगों का काम है। उसके अलावा जब अपने देश की बारी आती है तो ये भी अपनी तरफ से अपने देश को सपोर्ट करेंगे, हम भी हमारे देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसी चीज है ही नहीं, यहाँ सब लोग प्यार से रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अलमाटी में जहां अपन रह रहे हैं इतनी व्यस्त और इतनी फास्ट लाइफ स्टाइल है, इन चीजों को सोचने के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो जो फ्यूचर में स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, आप किसी भी कंट्री के हो, तो आप इन चीजों को ना सोचें, यहाँ बहुत प्यार प्रेम से लिया जाता है। डॉक्टर बनने का जो शॉर्टकट और बाईपास रास्ता है, आप इसको अपनाएं और अपने करियर को बनाएं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जब मैं एडमिशन ले रहा था तो काफी पेरेंट्स बोल रहे थे वो इस्लामिक कंट्री है, वहां नॉनवेज मिलता होगा, वहां पाकिस्तान के बच्चे आते हैं। देखो, उन पेरेंट्सों का कहना भी गलत नहीं है क्योंकि वो मीडिया पे ऐसे ही देखते हैं, बड़ा चढ़ा के बताए जाते हैं। तो उन पेरेंट्सों के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि आप अगर इस बात को लेके बच्चे को बाहर भेजने के डिसीजन को चेंज करते हैं तो ये बहुत गलत है। इसके अलावा पढ़ाई का लेवल मैं आपको वीडियो में दिखाता रहता हूं। और भाईजान, लास्ट में आप कुछ कहना चाहोगे? जी मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो भी अनिल भाई ने कहा बिल्कुल सही बात कही है, और जो नॉन वेज की बात हो रही है, वेज की बात हो रही है, वो तो आपके पास मौजूद है। आप जो भी लेना चाहो यहाँ मिलता है, और हर चीज जो इंडिया में आपको मिलती है, मसाले, सब्जी और जो भी चीजें हैं, वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है, एजुकेशन लेवल पे, खानों के लेवल पे, कल्चर लेवल पे। तो आप बेफिक्र, जो भी पेरेंट्स, जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है, आप अनिल भाई से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। मगर जहां तक मुझे मेरा चार से एक्सपीरियंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेफिक्र होके आओ, कोई टेंशन नहीं यहाँ पे। भाईजान, मैं आपको एक बात तो बताना चाहूंगा कि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आउट ऑफ इंडिया से पढ़ के गए हैं, आज वो रजिस्टर्ड ऑफिसर है, पीजी करके बैठे हुए हैं। अगर आज वो इंडिया में लगे होते ग्रेजुएशन करके, तो आज वो क्लर्क भी नहीं बन पाते। सही बात। तो ये बहुत अच्छा रास्ता, जिन लोगों ने सही समय पर सही डिसीजन ले लिया, आज वो रजिस्टर्ड ऑफिसर है, उनकी वाइफ भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनकी लाइफ सेट हो गई। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन, आप आइएगा। जो छोटा सा मतभेद था, ये मैंने ऐसे नहीं इनको रखने के लिए, व्यू के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने मुद्दा कई जगह देखा है, क्योंकि मेरे भी यहाँ लगभग 20-22 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कई बार जब अपन एडमिशन के लिए जाते हैं तो ये चीजें बहुत सामने आती हैं। तो सोचा हर आदमी को एक्सप्लेन करने से अच्छा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा दी जाए। मेरे साथ ये भाई भी थे जो इंडिया के, पाकिस्तानी भाई भी थे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।